दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो पे। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि बीपीएससी का टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम फेज टू का आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रखा है तो आप मोबाइल ब्राउजर पर यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन इस पर भी हो जाएगा बट आप डेस्कटॉप यानी लैपटॉप या कंप्यूटर्स पर करें वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा वेब ब्राउजर पर। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डेस्कटॉप साइट किया हुआ है। ये जो ब्राउज़र ओपन हुआ है फ़ोन के अंदर भी डेस्कटॉप साइट है, इसलिए मैं इसकी स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा हूँ। सो रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप बहुत हैसल में ना बढ़े और साइबर कैफे वगैरह से ही भरवा लें जो एक्सपर्ट होते हैं। सो तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर साइट आपके सामने होम पेज ओपन कर दिया हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साइड पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक है। बहुत सारे लोगों को बहुत आसानी से पता होता है बट मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए कौन सा पेज ओपन होगा। ये कुछ ऐसा ओपन हो गया इंटरफेस। यहाँ पे देखिए आपका टाइम डेट सब कुछ मेंशन दिखा रहा है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेज ओपन हो रखा है और मैं इस पर अब क्लिक कर देता हूँ। ओके करना होता है फिर उसके बाद देखिए होम पेज। अब आजकल थोड़ा साइट स्लो चलेगा क्योंकि सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे आ गया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप करना है। ये लॉगिन है रजिस्ट्रेशन के बाद के लिए। देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अपना दिखाई दे रहा है 27/2023 स्कूल टीचर / हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 5/5/2023, रजिस्ट्रेशन इंड 14/9/2023, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी 14/9/2023 और ऑनलाइन एप्लीकेशन इंड डेट फॉर्म भरने का लास्ट डेट। आपको पता है अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 10 तारीख से फॉर्म का पोर्टल ओपन हो। तो देखिए पहले कैसे करेंगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप वेबसाइट पे जाके या तो मैंने पुराने वीडियो में बताया आप वहाँ से देख लीजिए सारा कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई, तो अप्लाई ऑनलाइन पे किया। और डेस्कटॉप साइट याद रखिएगा, मतलब डेस्कटॉप पे ही लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे, मोबाइल पे नहीं सही से भरा जाता है। अब देखिए जितने भी फील्ड में स्टार यानी रेड मार्क लगे हैं उनको भरना कंपलसरी है। तो यहाँ क्या करेंगे, कैंडिडेट पहले पूरा देख लीजिए, कैंडिडेट फर्स्ट नेम यानी सपोज किसी का नेम है राजकुमार तो फर्स्ट नेम क्या आ जाएगा राज, देन मिडल नेम एंड लास्ट नेम। मिडल नेम अगर नहीं है तो सिर्फ कुमार लास्ट नेम की जगह आएगा, तो वो तो सब आप जानते होंगे या कैफे वाले जानते। फादर्स नेम, फिर हस्बैंड नेम विवाहित महिला के लिए, मदर्स नेम। उसके बाद आपको पता है कि आईडी टाइप में आप आधार पैन डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। अगर आधार नहीं देते हैं तो शायद आधार वेरीफिकेशन का फ़ी भी शायद एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा, वो आप इंश्योर कर लीजिएगा। बट आधार नंबर अगर है आपके पास तो डाल दीजिए। फिर आधार कार्ड का पीडीएफ जो है, आपको पता है पीडीएफ बताया गया कि 100 KB से कम में सबका रखना है, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए वैसा वाला, वो अपलोड कर दीजिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया यस कर दीजिएगा। परमानेंट रेजिडेंस ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। रिजर्व कैटेगरी है कि नहीं, तो ये सारा कुछ आप फिल करेंगे सिलेक्ट करके। ओके फिर उसके बाद आते हैं मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड हैं तो मैरिड पे, अदरवाइज अनमैरिड। जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप। उसके बाद फ्रीडम फाइटर वाला है अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब 40% से ज़्यादा है तो यस, अदरवाइज नो। जो भी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है कि विजुअली डिसेबल है या हियरिंग या कोई और है, तो एक सर्विस मैन। देखिए अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आवेदक आश्वस्त हो लेंगे कि उनका प्रमाण पत्र काल बाधित न हो। उसके बाद देखिए पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक अगर हैं तो वहाँ पर डिजिग्नेशन वगैरह भरना है। फिर देखिए प्रशैक्षणिक योग्यता, बीएड है कि क्या है तो इसमें से। फिर इसी तरह कंप्यूटर विज्ञान के लिए, जिनके लिए बीएड ज़्यादा कंपलसरी नहीं है तो 11-12 के लिए जो हैं, संगीत वाले फिर संगीत ललित कला 9-10, तो जो भी है आप फिल करेंगे। फिर दूसरा है कि आपने पात्रता परीक्षा देना है या दक्षता एवं या दोनों ही देना है, तो उस अकॉर्डिंग
पात्रता परीक्षा होगी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, और दक्षता जो एक्सपीरियंस्ड है वो तो बताइए यहाँ पे मेंशन है। और क्या अर्हता रखते हैं, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए या दूसरा कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विद्यालय अध्यापक। आपको पता है कि वैकेंसी में सारा कुछ दिया गया था। लैंग्वेज वन आप चूज कर लेंगे यहाँ से, देखिए इसलिए मैंने बोला डेस्कटॉप पे, वहाँ पे एक जो यहाँ पे है ना वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। फिर इसी तरह डेट ऑफ बर्थ एड्रेस कर लेंगे अच्छे से, फिर परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वो भी कर लेंगे। अब पूछ रहा है हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज मींस, आपके पास है तो यस अदरवाइज नो। ईमेल करेंगे, कंफर्म ईमेल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर फ़ोन नंबर ओटीपी आएगा उसको भी वेरीफाई, कैप्चा डालेंगे और रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ है प्रोसीजर, बाकी आप थोड़ा सा देख लेंगे, अगर कैफे वाले ने किसी से फिल कर दिया किसी का तो तभी फिल करेंगे, बहुत हैसल में खुद से करने का प्रयास ना करें, क्योंकि एरर हो गया पेमेंट के बाद तो थोड़ा, इसके बाद शायद पेमेंट का ऑप्शन आएगा तब आपका कंप्लीट होगा। आपको पता है पेमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद ही कर देना है। सो दोस्तों रखते हैं इतना ही जानकारी, कहीं से भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।